अकाउंटिंग नो प्रॉब्लम में आपका स्वागत है। मैं हूँ आरती। आगे बढ़ने से पहले हमारी आपसे प्रार्थना है, कृपया सोचें, आप डेटा एंट्री ऑपरेटर यानी बाबू बनना चाहते हैं या अकाउंटेंट? आप टैली का अधूरा ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं या उसके विद्वान बनना चाहते हैं? यदि आप अकाउंटेंट या विद्वान बनना चाहते हैं तो हमारा आपसे निवेदन है, इस वीडियो सीरीज की सभी वीडियोस को एक एक करके क्रमानुसार ही देखें। वीडियोस को क्रमानुसार देखने के दो तरीके हैं। पहला है हमारी वेबसाइट द्वारा और दूसरा हमारे YouTube चैनल की प्लेलिस्ट द्वारा। टैली की इस वीडियो सीरीज के आज के अध्याय में हम आपको बताएंगे कि टैली में कॉन्ट्रा वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन कैसे रिकॉर्ड करते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने आपको पेमेंट वाउचर क्या है और उसमें ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना बताया था, और उसके भी पहले रिसीट वाउचर वाली वीडियो में हमने आपको ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के तरीके को सरल और विस्तृत रूप में समझाया था। इसके अलावा उसमें हमने टैली के कंपनी फीचर्स और कॉन्फ़िगरेशन का भी उपयोग किया था। यहाँ हम आपको ये भी बता दें कि यही तरीका सभी वाउचर्स में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के लिए भी है। इसलिए हमारा आपसे निवेदन है कि ट्रांजैक्शंस को अच्छे से समझने के लिए उस वीडियो को जरूर देखें। और एक बात ध्यान रखें, आपको सिर्फ वीडियो देखने से फायदा नहीं होगा। यदि आप इस वीडियो का सही लाभ लेना चाहते हैं तो जैसा आपको वीडियो में समझाया गया है ठीक उसी तरह 2-3 बार प्रैक्टिस जरूर करें। आइए अब पहले हम कॉन्ट्रा वाउचर को समझ लेते हैं। जब कैश अकाउंट से पैटी कैश अकाउंट से बैंक अकाउंट से कैश अकाउंट या फिर एक बैंक अकाउंट से दूसरे बैंक अकाउंट में फंड ट्रांसफर किया जाता है तो उनके ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करने के लिए इस वाउचर का उपयोग किया जाता है। इसे हम एक चित्र के माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि अभी हमने कॉन्ट्रा वाउचर में जो ट्रांसफर बताए हैं उनमें कैश अकाउंट और बैंक अकाउंट दोनों ही हमारे हैं। इसमें बाहर की कोई पार्टी सम्मिलित नहीं है, यानी कॉन्ट्रा वाउचर में सिर्फ वे ट्रांजैक्शंस आते हैं जिनमें देने वाले भी हम ही होते हैं और पाने वाले भी। सरल शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि इस वाउचर का उपयोग पैसा एक जेब से निकालकर दूसरी जेब में रखने के लिए किया जाता है। ट्रांजैक्शन पहचानने वाली वीडियो में हमने कॉन्ट्रा वाउचर से संबंधित कुछ ट्रांजैक्शंस छांट लिए थे, उन्हें यहाँ पर हम फिर से बताएंगे और उनके आधार पर कॉन्ट्रा वाउचर में काम करेंगे। हमारा पहला ट्रांजैक्शन है 2 अप्रैल को हमने 20,000 रुपए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नकद जमा किए। पहला सवाल ये कि इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं। ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें। यहाँ बैंक में नकद रुपए जमा किए हैं यानी कैश गया है, तो ये हुआ एक खाता। अब दूसरा खाता देखते हैं, कैश कहाँ गया है या किसे दिया है, तो कैश बैंक में जमा किया गया है यानी दूसरा खाता हुआ बैंक का। दूसरा सवाल ये कि ये खाते किस प्रकार के हैं, तो नकदी यानी कैश का खाता रियल अकाउंट है और बैंक का खाता पर्सनल अकाउंट। अब तीसरा सवाल, कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट, तो बैंक में हमने रुपए जमा किए हैं या कह सकते हैं कि बैंक को रुपए दिए हैं, तो बैंक हुआ पाने वाला। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट के लिए नियम है डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो, मतलब यहां पर बैंक अकाउंट डेबिट होगा। अब हम देखते हैं दूसरे खाते को जो कैश का है। ये रियल अकाउंट है और रियल अकाउंट्स के लिए नियम है क्रेडिट व्हाट गोज आउट, यानी जो वस्तु व्यापार से जाए उसे क्रेडिट करो। अब यहाँ पर जो चीज गई है वो है नकदी यानी कैश, इसका मतलब ये हुआ कि कैश अकाउंट क्रेडिट होगा। तो चलिए टैली में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। यहाँ हमने टैली में अपनी कंपनी ओपन कर ली है। अभी हम गेटवे ऑफ टैली पर हैं। यहाँ पर ट्रांजैक्शंस हेडिंग के अंतर्गत अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना होगा। उसके लिए कीबोर्ड पर V की को प्रेस करें राइट साइड में वर्टिकल बटन बार में सभी वाउचर्स के नाम और उनके आगे उनके शॉर्टकट्स दिखाई पड़ रहे हैं। कॉन्ट्रा वाउचर के लिए F4 प्रेस करें। ऐसा करते ही कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएशन विंडो ओपन हो गई है। एक बात का ध्यान रखें, जिस तारीख में कोई ट्रांजैक्शन होता है टैली में उसी तारीख में उसे रिकॉर्ड किया जाता है। हम जो ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाह रहे हैं वो 2 अप्रैल का है, तो हम F2 की प्रेस करके यहाँ पर 2 अप्रैल तारीख डाल देंगे और एंटर प्रेस करेंगे। एंटर प्रेस करते ही हम पर्टिकुलर्स में आ गए हैं जिसमें CR दिखाई पड़ रहा है, साथ ही राइट साइड में एक लिस्ट ऑफ लेजर अकाउंट्स दिखाई पड़ रही है। इस लिस्ट में खास बात यह है कि यहाँ सिर्फ वे ही लेजर्स दिखाई पड़ते हैं जो बैंक या कैश से संबंधित होते हैं, क्योंकि कॉन्ट्रा वाउचर में इन दोनों के बीच जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो ही रिकॉर्ड किए जा सकते हैं। क्रेडिट में हम कैश अकाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं। देखिए, ऐसा करते ही कैश अकाउंट में जो बैलेंस है वो दिखाई पड़ रहा है। इसे हम अलग से भी लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ हमें अमाउंट में 20,000 रुपए टाइप करना है, पर अभी हम आपको कुछ समझाना चाहते हैं, इसलिए 20,000 के स्थान पर 1,20,000 टाइप करके एंटर प्रेस कर रहे हैं। देखिए, ऐसा करते ही नीचे नेगेटिव कैश की वार्निंग आ रही है और जितना कैश कम है उसका अमाउंट भी लिखा हुआ आ रहा है। ध्यान दें, हमारे पास जो कैश अकाउंट का बैलेंस है और ट्रांजैक्शन में हम जो अमाउंट रिकॉर्ड करने जा रहे थे ये उन दोनों का डिफरेंस है। कहने का तात्पर्य ये है कि यदि आप ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो आपकी बुक्स में इतनी कैश और होना चाहिए। यदि आप इसे अनदेखा करके आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करते हैं तो फिर से ये बैलेंस जितना कम होगा वो कैश के नीचे लाल रंग में लिखा दिखाई पड़ेगा। यदि आप इस तरह की वार्निंग के बाद भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने की प्रोसेस वैसी ही रहेगी जैसी हम आपको आगे बताने वाले हैं। हमें 1,20,000 के स्थान पर 20,000 ही चाहिए। उसके लिए बैक स्पेस की प्रेस करेंगे, यहाँ अमाउंट चेंज कर देंगे। अब एंटर प्रेस करेंगे। ये देखिए, कर्सर DR पर आ गया है। आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करें। यहाँ पर हमें बैंक अकाउंट यानी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को डेबिट करना है, तो वो सिलेक्ट कर लें। एंटर प्रेस करें। ये देखिए, ऐसा करते ही जो राशि क्रेडिट में लिखी थी वही राशि डेबिट में भी आ गई है। एंटर प्रेस करें। ये बैंक एलोकेशंस विंडो आ गई है। यहाँ हमें कोई चेंज नहीं करना है। एंटर प्रेस करेंगे। ऐसा करते ही कैश डिनोमिनेशंस विंडो आएगी। जिस तरह के नोट्स आप बैंक में जमा कर रहे हैं यदि आप उसका रिकॉर्ड रखना चाहते हैं तो डिटेल्स भरते हुए आगे बढ़ें, और यदि रिकॉर्ड नहीं रखना चाहते हैं तो एंटर प्रेस करके आगे बढ़ जाएं। हम वापस कॉन्ट्रा वाउचर क्रिएशन विंडो पर आ गए हैं। यहाँ पर नरेशन टाइप कर देंगे। बीइंग बैंक अकाउंट ओपनड इन SBI विद ₹20,000 कैश। अब इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लेंगे। अब देखते हैं दूसरा ट्रांजैक्शन। 31 मई को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से चेक द्वारा 5,000 रुपए नकद निकाले। पहला सवाल ये कि इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले 2 खाते कौन से हैं। ट्रांजैक्शन को ध्यान से देखें। यहाँ पर चेक के माध्यम से बैंक से रुपए निकाले गए हैं, तो बैंक हुआ पहला खाता। अब दूसरा खाता देखते हैं। बैंक से नकदी निकाली गई, इसलिए दूसरा खाता हुआ कैश का। अब आता है दूसरा सवाल कि खाते किस प्रकार के हैं। बैंक का खाता पर्सनल अकाउंट है और नकदी यानी कैश का खाता रियल अकाउंट है। चलिए इसको चार्ट ऑफ अकाउंट्स में देखकर कंफर्म कर लेते हैं। ये देखिए, बैंक का अकाउंट पर्सनल अकाउंट है। नकदी का खाता देख लेते हैं। ये देखिए, नकदी का खाता रियल अकाउंट है। यहाँ हमने दोनों खातों को कंफर्म कर लिया है। अब आता है तीसरा सवाल कि कौन सा खाता डेबिट होगा और कौन सा क्रेडिट। बैंक अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और पर्सनल अकाउंट्स के लिए नियम है क्रेडिट द गिवर, यानी देने वाले को क्रेडिट करो। अब यहाँ हमने बैंक से रुपए निकाले, यानी बैंक ने हमें रुपए दिए हैं, तो देने वाला हुआ बैंक। इसका मतलब बैंक अकाउंट क्रेडिट होगा। अब देखते हैं दूसरा खाता जो कैश का है। कैश अकाउंट रियल अकाउंट के अंतर्गत आता है और रियल अकाउंट्स के लिए नियम है डेबिट व्हाट कम्स इन, यानी जो वस्तु व्यापार में आए उसे डेबिट करो। यहाँ पर हमारे पास कैश आया है, इसका मतलब ये हुआ कि कैश अकाउंट डेबिट होगा। आइए अब चार्ट ऑफ अकाउंट से भी इसे कंफर्म कर लेते हैं। उसके लिए पहले हमें ये देखना होगा कि इस ट्रांजैक्शन का दोनों खातों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। हमने बैंक से रुपया निकाला मतलब बैंक का बैलेंस कम होगा, और हमारे पास कैश आया है मतलब कैश अकाउंट का बैलेंस बढ़ेगा। अब हम चार्ट ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से देखें तो यहाँ देखिए बैंक अकाउंट असेट्स में आता है और उसके लिए नियम है यदि बैलेंस डिक्रीज हो तो उसे क्रेडिट करो। अब कैश अकाउंट देख लेते हैं, ये भी असेट्स में आता है पर इसका बैलेंस इंक्रीज हो रहा है, और असेट्स में इंक्रीज के लिए नियम है उस खाते को डेबिट करो। तो ये कंफर्म हो गया कि हमने गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग की सहायता से जो निर्णय लिया था वो सही है। चलिए अब टैली में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। अभी हमारे सामने कंट्रा वाउचर खुला हुआ है। सबसे पहले यहाँ F2 प्रेस करके वो तारीख डालें जिस तारीख में ट्रांजैक्शन हुआ है। एंटर प्रेस करें। यहाँ क्रेडिट में हमें स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर अमाउंट टाइप कर दें। अब एंटर प्रेस करें। एंटर प्रेस करते ही बैंक अलोकेशंस विंडो आएगी, उसमें इंस्ट्रूमेंट नंबर और डेट डालकर एंटर प्रेस करें। हम वापस कंट्रा वाउचर क्रिएशन विंडो पर आ गए हैं। यहाँ डीआर दिखाई पड़ रहा है। आगे बढ़ने के लिए एंटर प्रेस करें। यहाँ डेबिट में हमें कैश अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा। एंटर प्रेस करें। ऐसा करते ही जो राशि क्रेडिट में लिखी थी वही राशि डेबिट में आ गई है। फिर से एंटर प्रेस करें। अब यहाँ ट्रांजैक्शन का संक्षिप्त विवरण यानी नरेशन टाइप कर दें। हमने टाइप किया बीइंग रुपीज 5000 कैश विड्रॉन फ्रॉम SBI। अब एंटर प्रेस करते हुए इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। आइए शॉर्ट में एक और ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करके देख लेते हैं। 1 जून 2020 को हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के चेक नंबर 123322 डेटेड 1 जून 2020 से 5000 रुपए बैंक ऑफ महाराष्ट्र में ट्रांसफर किए। यहाँ आप देख सकते हैं इस ट्रांजैक्शन में प्रभावित होने वाले दो खाते हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये दोनों ही खाते बैंक के हैं जो कि पर्सनल अकाउंट है। गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का खाता क्रेडिट होगा और बैंक ऑफ महाराष्ट्र का खाता डेबिट होगा। आइए इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड कर लेते हैं। F2 की प्रेस करके तारीख 1 जून कर देंगे। क्रेडिट में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट करें, अमाउंट डालें, बैंक अलोकेशंस में स्पेस बार प्रेस करके ट्रांजैक्शन टाइप सिलेक्ट करें, इंस्ट्रूमेंट नंबर में चेक नंबर डालें। इंस्ट्रूमेंट डेट में वाउचर की तारीख ही आ रही है और यही तारीख हमारे चेक की भी है। आगे बढ़ें। डेबिट में बैंक ऑफ महाराष्ट्र सिलेक्ट करें, एंटर प्रेस करके आगे बढ़ें। यहाँ फिर से बैंक अलोकेशंस विंडो आएगी जिसमें हमने जो पहले डिटेल्स दी थी वो बाय डिफॉल्ट आ रही हैं। एंटर प्रेस करते हुए आगे बढ़ें। यहाँ पर हमें उस बैंक का नाम टाइप करना होगा जिस बैंक का ये चेक है। नाम टाइप करना हम आपको पहले ही बता चुके हैं। नीचे नरेशन टाइप करें और अब इस वाउचर को एक्सेप्ट कर लें। अब तक हमने क्रमशः रिसीट वाउचर, पेमेंट वाउचर और कॉन्ट्रा वाउचर के बारे में समझा, और इन सभी वाउचर्स में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इन सभी वाउचर्स का संबंध कैश और बैंक से होता है। इसके बाद वाली वीडियोस में हम स्टॉक ग्रुप्स, यूनिट्स ऑफ मेजर और स्टॉक आइटम्स के बारे में बताएंगे, और ये भी बताएंगे कि सेल्स वाउचर और परचेस वाउचर में ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के पहले इन्हें समझना क्यों जरूरी है। आपकी सुविधा के लिए हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में एक PDF दिया है। हर वीडियो में हम कुछ नई बातें डिटेल में समझाते हैं और बाद में शॉर्ट में उनको यूज करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि कोई भी यूजफुल चीज छूट न जाए तो आपसे निवेदन है कि सभी वीडियोस को क्रमानुसार ही देखें।